सदगुरु की साजिनवा जी, गुरु प्यारी सत्संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यकार जी। प्यारी प्यारी सत्संगत जी, आज का टॉपिक है प्रभु की लीला अपरंपार है। प्यारी सत्संगत जी, आज का इंसान बहुत पढ़ा लिखा है, इंसान कुछ किताबें पढ़ लेता है तो अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझता है और ये चालाकी चतुराई में ही इंसान उलझा रहता है। इंसान दिमाग को बहुत चलाता है, दिमाग के जो घोड़े हैं ना, बहुत चलाता है, बहुत दौड़ाता है। आज का जो इंसान है वैज्ञानिक युग में जी रहा है, आज जो साइंस का जमाना है और साइंटिस्ट ने तो चांद में भी कदम रख दिया, मंगल में पहुंच गया और भी रोवर्स और स्पेस में जाकर खोज कर रहे हैं, और अभी हाल ही में चंद्रयान 3 पूरी दुनिया में एक नई क्रांति। तो इस प्रकार जो विज्ञान है, साइंस है, वो अपने दिमाग के अनुसार वो सूरज तक पहुंच गया। जो विज्ञान है, वैज्ञानिक है, वो पूरे अंतरिक्ष में स्पेस में खोज कर रहे हैं, नई नई खोजें चालू है। लेकिन परमात्मा, जब एक बात आती है परमात्मा की, ईश्वर की, तो इसके बारे में आदमी पीछे हटता है। जब हम किसी को बोले कि भाई आओ भक्ति कर लो, भगवान को जान लो, तो इंसान के पास टाइम नहीं है। टाइम क्यों नहीं है? क्योंकि इंसान इस भौतिक दुनिया में उलझा हुआ है। इंसान परमात्मा के बारे में बहुत कम सोचता है, और सोचता तब है जब उसे कोई दुख तकलीफ आती है, तब वो भगवान के बारे में सोचता है। सुख के टाइम पे भगवान को कोई याद नहीं करता है। कोई जो महान भक्त होते हैं, संत महात्मा होते हैं, वही सुख दुख हर हाल में परमात्मा को याद करते हैं। लेकिन संसार जब बहुत दुख होगा तब भगवान को याद करेगा, क्योंकि इंसान का दिमाग काम करता है। लेकिन जब भगवान की बात आती है, भगवान को याद करने की बारी आती है, तो मुसीबत में, संकट में, तब इंसान दिल से पुकारता है। बाकी टाइम इंसान दिमाग का इस्तेमाल करेगा, लेकिन जब कोई परेशानी आएगी तो फिर वो दिल से पुकारता है, दिल से भगवान को याद करता है कि हे प्रभु, हे ईश्वरिया, अल्लाह, ओ माई गॉड, वाहे गुरु। तो फिर संत कबीरदास जी ने समझाया कि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे का होई। अगर हम सुख में हर हाल में परमात्मा को याद करें, तो परमात्मा को याद कैसे करना है? तो सद्गुरु जी कहते हैं कि शुक्राना किया करो। शुक्र की जा तू मालिक का, शुक्राना ही भक्ति है। शिकवे गिले को लप पर अपने न लाना ही भक्ति है। मन वचन और कर्म से हरि का हो जाना ही भक्ति है। प्रेम की धुन में और लगन में खो जाना ही भक्ति है। जीते जी ही गुरु के दर पे मर जाना ही भक्ति है। प्रभु रजा में राजी हरदम रह पाना ही भक्ति है। हंसते हंसते कटु वचन को सह जाना ही भक्ति है। गुरु के सुर में अपने सुर भी मिल जाए तो भक्ति है। कहे हरदेव गुरु वचन को अपनाए तो भक्ति है। गुरु वचन निरंकार है, निरंकार को जानकर, पहचान कर, इसकी अनुभूति करने के बाद फिर आता है शुक्राना। लेकिन एक बात है कि हम शुक्राना नहीं कर पाते हैं। इंसान जो है वो शुक्राना नहीं कर पाता है। हम दिन में कितने बार शुक्राना करते हैं? नहीं करते हैं। परमात्मा ने हमें क्या क्या नहीं दिया, एक श्वास जो चल रही है, तो हम इसका भी शुक्राना करते नहीं हैं। एक नया सवेरा, जब हम उठते हैं सवेरे मॉर्निंग में, तो नया दिन दिया, फिर भी हम शुक्राना करना भूल जाते हैं। तो हमने परमात्मा का शुक्राना करना नहीं भूलना है।
हाल में हर पल शुक्राना करना है, चाहे सुख हो दुख हो, हर कंडीशन में हर हालात में शुक्राना करना है। और यही दातार से शक्ति मांगना है, यही अरदास प्रार्थना करना है कि मालिक शुक्राने की शक्ति दे कि हम हर पल आपका शुक्राना कर पाए, करते रहे। लेकिन हम शुक्राना नहीं करते हैं, हम अपना दिमाग चलाते हैं। प्रभु और प्रभु की लीला अपरंपार है, इंसान की सोच समझ के बाहर है, मन बुद्धि से परे है। देखा कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें कि दिमाग के बाहर है, आउट ऑफ माइंड है, दिमाग के बाहर। परमात्मा हमारी सोच समझ से परे है, सोच समझ से परे है। देखा कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें कि मन बुद्धि के बाहर, सोच समझ के बाहर है, अकल के बाहर है। अकला सोचा पहुंच दसक्कड़ मेहरा दिव्य दीते, मेहर करे ते आप स्वामी रंग बहाले गद्दी ते। कि मेहर करता है, जब कृपा करता है तभी इसकी याद आती है। इसकी कृपा के बिना कोई इसको याद कर नहीं सकता, इसकी कृपा के बिना कोई शुक्राना भी नहीं कर सकता, ये शुक्राना भी करवाता है। बस इंसान एक काम करे, शुक्राना करे हर हाल में। शुक्राना ही खुदा की इबादत है, खुदा की बंदगी है। क्योंकि अगर इंसान दिमाग चलाएगा तो ना तो प्रभु को दिमाग से पाएगा, ना तो प्रभु की लीला, जिसकी प्रभु की लीला है, माया है, ये भी दिमाग के बाहर है, ये हमारी सोच समझ के बाहर है। आज विज्ञान खोज कर रहा है इस नेचर के बारे में, पूरे स्पेस के बारे में खोज कर रहा है, खोज करके बहुत सारी चीज़ें सामने भी ला रहा है, लेकिन ये बेअंत है। कितना खोजेंगे इसको? हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो प्रभु की लीला भी अनंत है, लीलाधारी है निरंकार, इसकी लीलाएं अपरंपार है। प्रभु और प्रभु की लीला अपरंपार है, तो इसके बारे में आदमी जान नहीं सकता है, कोई नहीं जान पाया आज तक। प्रभु की लीला के बारे में कोई जान नहीं पाया है, प्रभु की लीला को तो प्रभु ही जानते हैं, निरंकार ही निरंकार के बारे में जानता है। बाकी हम तो तुच्छ जीव हैं, तुच्छ बुद्धि हैं, हमारे तो कोई औकात ही नहीं है, हमारा कोई वजूद है ही नहीं, फिर भी हम अपनी अकल से अनप लगाते रहते हैं। तो भक्ति के मार्ग में यहाँ पर दिमाग का काम है ही नहीं, चालाकी चतुराई का कोई काम है ही नहीं, अकल से अनप का कोई काम है ही नहीं, यहाँ तो केवल दिल चलता है, भावनाएं चलती हैं। जब दिल से पुकारते हैं प्रभु को तो परमात्मा बिल्कुल करीब पास होता है। जब दिल से उसका शुक्राना करते हैं, गिले शिकवे को छोड़ देते हैं, सजदा भी करूं, शिकवा भी करूं, ये भक्ति का दस्तूर नहीं, भक्ति है नाम समर्पण का, भक्ति में शर्त नहीं चलती। कि मैं सजदा इबादत भी कर रहा हूं और गिले शिकवे भी कर रहा हूं, दोनों बात साथ नहीं चलती है। गिले शिकवे को छोड़ना पड़ेगा, इसकी रजा में रहना पड़ेगा। इसकी रजा में कौन रहता है? जिसके दिल में होता है शुक्राना, शुक्राने का भाव, जो हर पल हर हाल में शुक्राना करता है, फिर मुस्कुराता है। शुक्राना और मुस्कुराना ये पॉसिबल तब होता है जब हम परमात्मा की रजा में जीते हैं। हर हाल में, हर कंडीशन में, दुख दर्द मिले तो भी हंसना है, मुस्कुराना है, दर्द में भी मुस्कुराना है, दुख में मुस्कुराना है, परेशानी में मुस्कुराना है। काम तो बहुत कठिन है लेकिन असंभव नहीं है। अगर सुख परमात्मा ने दिया तो थोड़े दुख आ गए तो फिर हम क्यों निराश होते हैं, क्यों रोते हैं? सुख दुख तो मेहमान की तरह है, जीवन है, उतार चढ़ाव तो आएंगे, सुख दुख भी आएगा, प्रभु की लीला अपरंपार है। हर दिन नया चमत्कार होता है, सबकी लाइफ में होता है, बस कोई उसको महसूस करता है, कोई महसूस नहीं कर पाता है। हर दिन जो एक गॉड गिफ्ट मिलता है हमें, परमात्मा का उपहार है, जब नींद से उठते हैं ना मॉर्निंग में, तो हर सवेरा नया गिफ्ट है, एक गॉड गिफ्ट है। ईश्वर ने एक नया दिन दिया है अच्छी लाइफ जीने के लिए, कि अच्छे इंसान बनो, सबका अच्छा सोचो, अच्छा करो, सबका भला करो, भला करोगे तो लाभ मिलेगा। तो मानव जीवन मिला है परमात्मा को जानकर सबकी सेवा करने के लिए, नेक इंसान बनने के लिए, तो पॉसिबल कैसे होगा? नेक इंसान कैसे बनेंगे? सबसे पहले हमें
अपने कर्मों पे डेली इम्प्रूवमेंट लाना पड़ेगा, खुद को सुधारना पड़ेगा कि जो हम बातें बोलते हैं वो हम कर पा रहे हैं कि नहीं। जो गुरु जी बोलते हैं, सत महात्मा समझाते हैं, वो चीज़ हम कर रहे हैं, अमल में ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं। अगर नहीं ला रहे तो हम आज से अभी से इसको अमल में लाएं, एक्शन में लाएं, महान संतों के जीवन को देखें, उनकी जीवनी पढ़ें, कितने महान थे वो। हमारे संतरंकारी मिशन में एक से एक महान संत हैं, उनकी जीवन गाथा पढ़ें। सब पे जीवन से प्रेरणा मिलती है, सीखने को मिलता है कि कितने दुख दर्द में, हर कंडीशन में उन्होंने इस निरंकार को याद किया, निरंकार के साथ जुड़े रहे, कभी दिमाग चलाया नहीं। क्योंकि भक्त जानते हैं कि प्रभु और प्रभु की लीला अपरंपार है, तो इसको सोचना ही नहीं है। परमात्मा की लीला, परमात्मा की रजा के बारे में हम क्या सोचेंगे? हमारी तो तुच्छ बुद्धि है, हमारे पास तो बिल्कुल अक्ल ही नहीं है, हम तो कुछ भी है ही नहीं। जो कुछ ये निरंकार है, सदगुरु है, इसका खेल ये जाने। जो जीवन में हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो पल बीत रहा है बहुत अच्छा बीत रहा है, हैप्पी लाइफ, खुशी खुशी जीना है। परमात्मा जो कर रहे अच्छा कर रहे, हमारे भले के लिए कर रहे हैं। क्योंकि भक्त के जीवन में जो भी घटना घटती है उसके भले के लिए, उसकी भलाई के लिए होती है। क्योंकि भगवान अपने भक्तों की हमेशा भलाई करते हैं, पल पल रक्षा करते हैं। भगवान भक्तों का रखवाला है, भगवान जो भक्त होते हैं, संत होते हैं, प्रभु की लीला के बारे में सोचते ही नहीं है। प्रभु की लीला प्रभु जाने, प्रभु का खेल प्रभु जाने, प्रभु और प्रभु की लीला अपरंपार है, इंसान की सोच समझ के बाहर है। इंसान बस हर पल शुक्राना करे, हर हाल में शुक्राना ही खुदा की इबादत है। और जो बंदगी इबादत करते हैं, जो हर पल हमेशा शुक्राना करते हैं, लखवार करा शुक्राना फिर भी थोड़ा है, तेनु सजदा करे जमाना फिर भी थोड़ा है, जितना शुक्राना करेंगे उतना कम है। तो ये अरदास प्रार्थना है सदगुरु के पावन चरणों में कि हे दातार, शुक्राने की शक्ति देना कि हर हाल में, हर पल, हर घड़ी, हर चीज़ के लिए आपका शुक्राना करें। आपने हर एक सांस दी, हर सांस का शुक्राना। आप पूरा जीवन चला रहे हैं, पूरा दिन अच्छे से बीतता है, हंसी खुशी में बीतता है, तो इसका शुक्राना निकले, दिल से, सच्चे दिल से शुक्राना निकले। शुक्राना, 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 हे प्रभु आपका शुक्राना, हे मेरे मालिक आपका शुक्राना, जो आपने सुंदर जीवन दिया, आप हर एक श्वास को चला रहे हैं और हर पल आपकी कृपा से बीत रहा है। तो जो जीवन आपने दिया है, तो ये श्वास श्वास सारा जीवन मानवता की सेवा में लग जाए, सब खुशियाँ बांटते रहें, सबको प्यार सत्कार देते रहें, गलती से कभी किसी का दिल ना दुखा दें। यही अरदास प्रार्थना है सदगुरु माता जी के पावन चरणों में, दातार कृपा करना। तो इंद्रंकार मैं तेरी शरण मैनु बख्श लो, तो इंद्रंकार मैं तेरी शरण मैनु बख्श लो, तो इंद्रंकार मैं तेरी शरण मैनु बख्श लो, तो इंद्रंकार मैं तेरी शरण मैनु बख्श लो। सत्संग जी प्यार से बोलिए, निरंकार जी।